नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर राजस्थान में आज बात करेंगे दिनांक 25 और 26 अप्रैल 2021 के खबरों पर। तो दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी ना करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं रूटीन में रहकर रेगुलर इन करंट अफेयर्स का लाभ ले सकें। तो सबसे पहले प्रश्न के साथ में आज बात करते हैं। उससे पहले गुलदस्ता मार्च 2021 का करंट अफेयर्स का अंक अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका नाम आरएस जंक्शन। इसके अलावा पॉलिटी के लिए आरएस प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स भी शुरू हो चुका है, तो ये दोनों ही कोर्स है जिनका आप लाभ वहां पर उठा सकते हैं। तो भारत द्वारा किस एक देश के साथ खंजर नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो किर्गिस्तान के साथ मिलकर भारत ने जो है खंजर नामक सैन्य अभ्यास जो है उसकी शुरुआत की है। और दोस्तों, ये जो खंजर अभ्यास है इसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। तो भारत और किर्गिस्तान ने वहाँ की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया है। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच किया जाने वाला खंजर अभ्यास का 8वां संस्करण है और 2011 में इसकी शुरुआत की थी। 2 सप्ताह तक इस खंजर सैन्य अभ्यास के अंतर्गत जो ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर आतंकवाद और अतिवाद को रोकने के लिए अभ्यास किए जाते हैं। किर्गिस्तान की बात करें तो वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह अस्तित्व में आया था और तभी से भारत के इसके साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। मध्य एशिया में स्थित इस देश से पुरातन काल में भी भारत के संबंध रहे हैं। वर्ष 2018 में भारत और किर्गिस्तान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने से जुड़ा भी था। तो खंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। द ब्लू नेचर अलायंस हाल ही में 20 अप्रैल को गठित किया गया एक संगठन है जो पर्यावरण में जलीय और महासागरीय क्षेत्र जो हैं उनके संरक्षण के लिए कई संगठनों को एक साथ लाता है। द ब्लू नेचर अलायंस में कंजर्वेशन इंटरनेशनल, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, मेडेरू फाउंडेशन और रॉब एंड मेलानी वॉल्टन फाउंडेशन सम्मिलित हैं। आगामी 5 वर्षों में ये सभी मिलकर के जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ब्लू नेचर अलायंस अपनी शुरुआत में संरक्षण कार्यों के तहत 4.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर अर्थात 1.9 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में फैले 3 समुद्री क्षेत्र, जिनमें फिजी का लाओ सीस्केप, अंटार्कटिका का दक्षिणी महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर में ट्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप का क्षेत्र जो है उन्हें कवर करेगा और इनका संरक्षण करने का प्रयास करेगा। और इसमें भी प्राथमिक उद्देश्य होगा जलवायु परिवर्तन की वजह से इस क्षेत्र के जो स्थानीय समुदाय हैं उनको होने वाले नुकसान को मिटिगेट करने के लिए उनसे मिलकर के कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड में यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया और इसमें भारत ने सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक सहित पदक जीतते हुए पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इनमें से एक खिलाड़ी राजस्थान की भी रही, जिन्होंने 69 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नाम है अरुंधति चौधरी और बूंदी में पैदा होने वाली अरुंधति ने कोटा में जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी की है। पोलैंड के किल्से में आयोजित इस यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने 69 किग्रा वर्ग में विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण 3 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते और वो प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा। पिछला प्रदर्शन की बात करें तो 10 सर्वश्रेष्ठ पदकों का प्रदर्शन था जो उसने 2018 में हंगरी में जो है किया था। अगर हम बात करें अरुंधति चौधरी की तो वो पहले भी कई बार पदक जीत चुकी हैं, जिनमें 5 बार उनका स्वर्ण पदक, 1 बार कांस्य पदक, यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2019 में कांस्य पदक, 2018 और 2017 में बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया, जूनियर खेलो इंडिया प्रथम 2017, द्वितीय 2018 और तृतीय 2019 में लगातार स्वर्ण पदक, 2017 जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक, 2018 यूथ नेशनल में रजत पदक और 2019 यूथ नेशनल में स्वर्ण पदक वे जीत चुकी है। निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिर से लागू किया गया है? कोविड-19 की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए दोस्तों मई और जून माह के लिए एक बार फिर से सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया है, जो पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के जो लाभार्थी हैं उन 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मुफ्त देने की बात कही गई है। तो वर्तमान में 5 किलो तो इनको मिलता है 1 रुपये की दर से, लेकिन उसके अलावा और 5 किलो अनाज यहाँ पर इनको मुफ्त दिया जाएगा। मई और जून 2021 इन 2 माह के लिए ये आवंटन किया जाएगा।
पिछले साल शुरू की गई इस योजना को एक बार फिर से लोगों तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में पूरे देश में लागू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश को कवर करने के लिए किस अवधि का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, स्वामित्व योजना को पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरे देश में विस्तृत किया गया है और देश के लगभग सभी गांवों को कवर करने के लिए 2021 से 2025 का लक्ष्य रखा गया है। स्वामित्व मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांव और मानचित्रण का सर्वेक्षण करना, ये स्वामित्व योजना है जिसे 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था ताकि जो किसान हैं उनको अपने भूखंड के लिए एक डॉक्यूमेंट मिल सके जिसके माध्यम से वे ऋण ले सकें और अन्य अपने कार्य कर सकें। तो ये एक मालिकाना हक जो है ई प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से लोगों को प्रदान करता है। ग्रामीणों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का लाभ उठाने के लिए संपत्ति की वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग का मार्ग प्रशस्त भी करता है। 2021 से 2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को ये कवर करने का प्रयास करेगा। इस योजना को पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब और राजस्थान के चुनिंदा गाँवों में लागू किया था। दोस्तों, पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज पुरस्कार भी दिए गए हैं और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित भोजासर ग्राम पंचायत जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले की है। तो बहुत से अलग अलग पुरस्कार मिले हैं जिन पर हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एक दिया जाता है जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को मिलता है। 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए किए गए अच्छे कार्यों के बतौर दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए 2021 में कोटा जिला परिषद को 50 लाख रुपये, पंचायत समिति कोटड़ा और पंचायत समिति चिड़ावा को 25-25 लाख रुपये और ग्राम पंचायत त्योदिया झुंझुनू, ग्राम पंचायत 4NN चांदना श्रीगंगानगर, ग्राम पंचायत थुर उदयपुर, ग्राम पंचायत निढारिया कला धौलपुर और ग्राम पंचायत बरपाली को 10-10 लाख रुपये दिए गए हैं। ये तो हो गया दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। एक पुरस्कार है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये पुरस्कार ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम पंचायतों को सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए दिया जाने वाला पुरस्कार है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के तहत झुंझुनू जिले की भोजासर ग्राम पंचायत को 10 लाख दिए गए हैं। इसी तरह से एक पुरस्कार और है जिसका नाम है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। तो 2018 में इसे शुरू किया था और देश भर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को इसमें चुना जाता है, प्रत्येक राज्य से एक को। तो ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के तहत पंचायत समिति मुंडवा नागौर की ग्राम पंचायत अरवर को 5 लाख रुपये का पुरस्कार इसमें दिया गया है। वहीं बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, जो कि बाल सुलभ प्रथाओं को अपनाती है जिनमें बच्चों का लाभ हो ऐसी प्रथाओं को अपनाती है, उन ग्राम पंचायतों ग्राम परिषदों को इसमें चुना जाता है। तो राजस्थान में बाल हितेशी ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के तहत पंचायत समिति नावा की ग्राम पंचायत मिंडा को जो है 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि इसमें दी गई है। तो प्रत्येक राज्य से किसी एक ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद को इसके लिए चुना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद है ये आपको अच्छे लगे होंगे। यदि हाँ तो लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।